तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने लेयर मास्क के बारे में पढ़ लिया था, याद है आपको? मास्क के बारे में, जो व्हाइट और ब्लैक होता है मास्क, उसके बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि न्यू चीज़, जैसे कि क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या है? ठीक है, एक सिंपल, जैसे कि कोई चीज़ को क्लिप करना, क्लिपिंग मास्क। वो शिल्प कोई डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर आप क्लिप करना चाहते हो कोई और चीज़, मतलब कि पिक्चर वगैरह, तो आज हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरह, न्यू लेयर कर लेंगे ताकि ये सिलेक्शन जो है न्यू लेयर पे बने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कलर फिल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आप एडिट में आते हो, फिल एरिया करते हो ना, तो आप इसी तरह राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो फिल एरिया। फिल एरिया किया और मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है, ओके कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। राइट क्लिक करके स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया आपको, यहाँ से भी ऑप्शन है एडिट में आकर, ये ऑप्शन है। स्ट्रोक से क्या होता है? ठीक है, स्ट्रोक से आउटलाइन लगती है। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन आ रही है ना सर, इसी तरह कोई और लाइन इसके मुताबिक ऊपर में लाइन बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से भी स्ट्रोक कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके स्ट्रोक पे क्लिक कर सकता हूँ जी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेड रेड कलर मैंने चूज कर लिया, ओके कर दिया। बाउंड्री की लोकेशन पूछ रहा है, इनसाइड करने अपने ऑब्जेक्ट के, आउटसाइड या सेंटर, मैंने सेंटर कर दिया। पिक्सल वो पूछ रहा है कितनी विड्थ होनी चाहिए, मतलब एक आउटलाइन लग तो जाएगी टोटली, कितनी मोटी में होनी चाहिए उसकी विड्थ, तो आप जितना रखोगे उतनी ज़्यादा विड्थ उसमें ऐड होगी, और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये देख रहे हैं आउटलाइन यहाँ पे लग चुकी है, न्यू लेयर बना लिया था इस वजह से उस पर काम हुआ हुआ है। सिलेक्ट आ जाऊँगा, डी सिलेक्ट कर देंगे, हमारा ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब देखो क्लिपिंग मास्क ऑप्शन जो है वो इस तरह यूज़ होते हैं, मैंने एक शेप बनाया इसी तरह, जैसे कि ये फ़ोटो हम एक देखें, ये जो तस्वीर है, ये जो ऑरेंज कलर की शेप बनाई हुई है, ये मोर्के टूल से भी बन सकती है, या इसके अलावा हम शेप में भी पढ़ेंगे, शेप होती है ना एक, कोई भी शेप बना लो आप। ठीक है, शेप भी बना सकते हो सर आप, जैसे कि सेम ये मैंने बना लिया था, इस तरह ये वाली फाइल बना लो, जैसे आप मूव वगैरह करके उस तरह बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर वो आपने जो मेरी तस्वीर उसमें ऐड थी, वो किस तरह आप ऐड करोगे, वो मैंने की किसके ज़रिए किया, क्लिपिंग मास्क के ज़रिए। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह का, और हम फोटो ले आते हैं। ठीक है, प्लेस लिंक कर लेते हैं या ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तस्वीर, मैं चाहता हूँ ये तस्वीर जो है सिर्फ, जैसे कि एक कोई फ्रेम हमने बना लिया, ये फ्रेम में नजर आए। ठीक है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क बनाने के काफ़ी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है आप क्या करते हो, याद है शॉर्टकट आप लोग को, कंट्रोल आल्ट जी। ठीक है, कंट्रोल आल्ट जी दबाया तो आप यहाँ पे देखें कुछ एरो बना हुआ है डिज़ाइन, और ये जो तस्वीर उसके अंदर शिफ्ट हो चुकी है, इसके अंदर ये देखिए, देख रही सर, कोई भी तस्वीर मूव हो रही है, इसका स्केल ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरह चेंज हो चुकी है। इसके अलावा फिर इसके बाद आप दोबारा से रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसे दोबारा क्लिपिंग मास्क बनाना चाहते हो, आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क, जैसे कि शॉर्टकट मैंने बताया ना कंट्रोल आल्ट जी, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से फिर बन जाएगी क्लिपिंग मास्क। इसके अलावा आप इसे बाहर निकालना चाहते हो, रियलाइज कर दो, राइट क्लिक करके रियलाइज क्लिपिंग मास्क कर दो, तो ये बाहर आ जाएगी तस्वीर। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके पास है आल्ट प्रेस करके, यहाँ पे जब ये एरो चेंज हो जाए, देख रहे रेक्टेंगल बना हुआ है, डार्क एरो है ब्लैक कलर का, इस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो भी ये क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। तीन ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, नहीं नहीं लेफ्ट क्लिक करना है, आल्ट प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक करोगे वो उस टाइम करोगे जब वो एरो बना हुआ आएगा, रेक्टेंगल शेप बनी हुई आएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है, अगर आप ये शॉर्टकट भूल जाते हो या ये मैनुअल जो इजी मेथड बताया था आल्ट प्रेस करके क्लिक करते हो, ये अगर भूल जाते हो तो आप
किसके जरिए कर सकते हो, लेयर में आओगे। यहाँ पे देखिए लेयर वेक्टर मास्क वगैरह ये हमने पढ़ लिया था, जैसे ब्लैक और वाइट। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यही रिलायंस क्लिपिंग मास्क। ये रिलायंस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अभी क्लिपिंग मास्क में बनी हुई है। इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगी वो शेप से तस्वीर। इस पर जैसे क्लिक किया ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। ठीक है ये एडिटिंग का ऑप्शन भी इस लेयर में है। किस चीज़ का एडिटिंग, ये जो शेप है उसमें एडिट। हाँ वो है ना जी तस्वीर पे। अब देखो लेयर पे आएंगे, यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये आल्ट और कंट्रोल जी जो बताया था, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ये तस्वीर इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है ये दोनों हमारे पास तस्वीर ऐड हो चुकी है। अब आप देखिए ये तस्वीर पे क्लिक करूँगा तो तस्वीर मूव हो रही है। ठीक है आप चाहते हो शेप को मूव करना चाहते हो तो आप लेयर जो शेप हमने बनाई या सिलेक्ट किया एरिया उसे आप करके इसे मूव कर सकते हो। ठीक है ये जिस तरह ये कर दिया। अब देखिए इसी तरह हमने ये कुछ जो ये शेप बनाई हुई है मैंने, ये डिज़ाइन किस तरह दिया हुआ है, एक मोर्की टूल से सिलेक्शन की, जैसे कि हमने रेक्टेंगल बनाया इस पर ऐड कर दिया, थर्ड ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसी तरह ये सर्कल ले लिया। इसके अलावा ये जो साइड से ये भी हमने इस पर स्ट्रोक लगा दी। ठीक है स्ट्रोक लगा दी। अब ये हम एक देख लेते कोई बनाकर यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन। पहले एक फाइल ले लेंगे, न्यू फाइल। अच्छा इनमें एक और ऑप्शन था मोर्कियों में, हमने सिर्फ रेक्टेंगल और एलिप्टिकल के बारे में मैंने बताया था ना कि सर्कल में शेप सेलेक्ट करेगा वो रेक्टेंगल में करेगा, दो ऑप्शन ये हमने नहीं पढ़े थे। ठीक है ये एक ऑप्शन है सिंगल रो मोर्की टूल और इसके अलावा सिंगल कॉलम मोर्की टूल। इन दोनों से होता क्या है कि अगर आपके पास रो और कॉलम तो समझते हो, ठीक है आप चाहते हो एक सिंगल फ्रेम, एक फ्रेम जो होता है ना मतलब टोटली ये छोटा सा होता है स्क्वायर की टाइप जैसा, ठीक है स्क्वायर बना होता है, तो वो आप सिलेक्शन करना चाहते हो एक पिक्सल, चाहे वो कॉलम की तरफ करना चाहते हो या रो की तरफ। तो ये जो दो ऑप्शन है हमारे पास सिंगल रो और कॉलम, ये आप इसके ज़रिए कर सकते हो। रो पे करूँगा तो देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देख रहे एक शेप सिलेक्टेड आ रही है, ये बिल्कुल इतनी डीप में सिलेक्शन इसने की हुई है जो कि हम मोर्की टूल से रेक्टेंगल वाले से या लासो टूल से या क्यूब सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते, वो ये कर रहे हैं। ठीक है रो वाला। अब जैसे कि हम देखें इसको काफ़ी जूम करते देख रहे हैं, ये होता है एक पिक्सल, ये बॉक्स एक बना हुआ है, ये होता है एक पिक्सल जी, ये पिक्सल इसने सिलेक्ट किया। इसी तरह ऊपर प्रॉपर्टी सेम है, अगर देखें मैं ये रो है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं चाहता हूँ ये लाइन भी रो में सिलेक्टेड हो जाए पिक्सल में, इस पर क्लिक करूँगा तो वो हो गई, दूसरी नहीं ऐड हो गई। तो दूसरी ऐड करने के लिए मैं क्या करूँ, ऊपर हम यहाँ पे चेंज करेंगे ऐड टू सिलेक्शन करेंगे, इस पर क्लिक कर दिया ये देखें अभी दूसरी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कॉलम में चाहता हूँ मतलब वर्टिकल में मैं चाहता हूँ इसे ऐड करना चाहता हूँ तो कॉलम पे कर दूंगा, एक क्लिक करूँगा ये कॉलम वाइज सिलेक्टेड करेगी एक पिक्सल को। ठीक है अब इसमें आप चाहे जो भी ऐड कर सकते हो, चाहे इसे डिलीट कर दो या फिल कर दो, वो कलर नज़र आ रहा होगा इसमें। ठीक है सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे मोर्की वगैरह हमने यूज़ किया था। ठीक है इसी तरह हम एक फाइल बनाते हैं आगे। अच्छा आप जब भी कोई चीज़ बनाते हो ग्रिड जो होती है, ठीक है ग्रिड होना लाजमी इसमें है, मतलब आप इसमें डिवाइडेड करना चाहते हो बिल्कुल फिक्स एरिया, मतलब कि एक स्केल पे डिवाइडेड करना चाहते हो इस चीज़ को, तो आप किस तरह कर सकते हो। व्यू में आप आओगे, यहाँ पे आपके पास है न्यू गाइड लेआउट, वो ज़्यादा ज़रूरत होगी इस चीज़ की। ठीक है इस पर जैसे क्लिक करोगे ये नंबरिंग पूछ रहा है, रो के मुताबिक पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे लाइनें बनी हुई आ रही है, तो इससे ये हो गए प्रॉपर डायमेंशन, एक फिक्स स्केल है चारों तरफ डिवाइडेड हुआ हुआ, तो इस तरह हम ये कर सकते हैं। अगर आपको इनमें मज़ीद और चाहिए मतलब डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी करनी जहाँ पे 6 तस्वीरें आपने लगानी है तो आप ये कॉलम रो को चेंज भी कर सकते हो, मैं टोटली 6 लिखता हूँ देखें डिवाइडेड उसने कर दिया। अब इसमें ये होगा जब हम सिलेक्शन करेंगे या कोई पिक्चर को भी ऐड करेंगे ना मिक्स कर देंगे एक चीज़ में तो ये पॉइंट को वो पकड़ेगा, वो सिलेक्ट करेगा स्नैप करेगा। ठीक है ये होता है इस तरह, मैंने 2 ही लिख दिया, ओके कर दिया। ठीक है डिज़ाइन इस तरह हो गया। अब देखो हम वो पिक्चर किस तरह बनाते हैं, जो ये पिक्चर मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह दिया हुआ है तो ये हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपने मोर्की टूल ले लेने, ठीक है यहाँ पे
एक सिलेक्शन की, तो ये देख रहे चारों तरफ लाइनें जो है मिक्स हो गई, पर्पल हो चुकी है। इसका मतलब कि बिल्कुल फिक्स है ये सिलेक्शन हो गई। एक क्लिक किया मैंने, सिलेक्शन हो गई। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। इस लेयर पे हम लिख देते हैं फर्स्ट, मतलब कि पहली फिल एरिया या शेप वगैरह जो भी है, ठीक है। एडिट में आ जाएंगे, यहाँ पे हम फिल कर देंगे कलर में। मैं पहले येलो कर रहा हूँ, ओके कर दिया, ठीक है। ये हो गया फिल अलग लेयर में, ठीक है। यहाँ पे हम डिसलेक्ट कर देंगे, फिर एक न्यू लेयर पहले बना ले या बाद में, फिर मोनकी टूल लिया आपने कंट्रोल डी से होगा, सिलेक्ट ऑप्शन से डिसलेक्ट है। अब देखो एक लाइन आ रही है, इसका ये मतलब होता है कि ऊपर वाली शेप के मुताबिक बिल्कुल फिक्स है, आगे पीछे नहीं है, तो इसलिए डिवाइड वाली लाइन आ रही है। एक शेप बनाई, लेयर बनाना बेहद जरूरी है, ठीक है। लेयर नहीं बनाओगे तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। दूसरा लेयर हम बना देते हैं, रीनेम करते हैं टू, और नाम भी आप लिख सकते हो किस कलर में ये बना रहे हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, बाद में भी बना सकते हो, पहले भी बना सकते हो। अच्छा, अब देखिए मिड लाइन जो है वो हमने कैसे बनाई, ठीक है। मिड लाइन किससे बनाएंगे हम, इलेप्टिकल से, इलेप्टिकल से। अब देखो आपने क्या करने से पहले तो जूम कर ले काफ़ी, अगर आप इसी तरह देख रहे हो कि आपका जो आप जिस तरह भी मतलब बना रहे हो बिल्कुल फिक्स आ रहा है, कर्सर को आपने बिल्कुल फिक्स रखना है। और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपने दो बटन होल्ड कर, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करेंगे तो क्या होगा, स्केल इसके राउंड में हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए ये वर्टिकल में ज़्यादा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में। शिफ्ट होल्ड करने से एक तो स्केल इसका फिक्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपने ये देखा, जब मैंने कर्सर से सिलेक्शन स्टार्ट की थी तो मिड लाइन से की थी ना, तो मिड पॉइंट से ही हम व्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आल्ट प्रेस करूँ। आल्ट प्रेस किया, अब देख रहे पहले जो सर्कल यहाँ से मैंने किया था ना, तो उसी के जरिए ये सर्कल लग रहा है, ठीक है। शिफ्ट आल्ट, अब जितने एरिया आप इसमें वो जो पिक्चर इसमें ऐड की हुई थी वो जितना बनाना चाहते सारा बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने छोड़ा मतलब के दो लाइनों के बीच में कितना गैप हो, सबको जीरो कर दो, इंचीस लिखा हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे इसके लिए भी। ठीक है, ये हो गया हमारे इस तरह। अब देखिए वो जो लाइनें बनी हुई हैं चारों तरफ वो किस तरह हम बनाएंगे, सिंगल का बताया था मैंने जो अभी, मोर्क्यू टूल और इन स्ट्रोक से भी हो जाते हैं। उसके अलावा आप अलग से बना लो, ताकि अलग लेयर पे बनाओगे इजी होगा,
एक लेयर बना लेंगे ठीक है यहाँ पे। अब देखो ये जो मैंने बताया था सिंगल मोड, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, तो ये आप देख रहे हैं लाइन जो है डॉटेड लाइन, ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रही है ठीक है। अभी हमने फिक्स कहाँ पे रखनी है, जो ये ब्लू कलर की लाइन है फिक्स इसी के ऊपर रखनी है ताकि ये दोनों तरफ बीच में ही रहे, सेंटर में रहे ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल फिक्स इसी तरह बनाएंगे ठीक है। एक क्लिक करना है, क्लिक हो गया एक हमारा। अब हम क्या करेंगे, न्यू लेयर लिया इसे हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे, या फिर आप फिल के अलावा फिल नहीं करो स्ट्रोक कर दो डायरेक्टली, स्ट्रोक पे आप 50% दे दो, सेंटर कर दो। सेंटर करने से ये होगा कि आधा हिस्सा वहाँ पे होगा और इस तरफ से, तो ओके कर दो ठीक है। रेड कलर की हमें चाहिए थी, नहीं चाहिए ठीक है, रेड ट्रक बन जाएगा। इसे बना देंगे वाइट कर देंगे ठीक है, ब्लैक भी आप कर सकते हैं। ये भी इसका भी एक मेथड देखेंगे किस तरह कट हो जाता है ठीक है। इसी तरह कॉलम का सर इसको पहले सेंटर वो हो सकता है, लेकिन मैं इसीलिए तो आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें बाद में आप किस तरह कटिंग करोगे ठीक है। और न्यू लेयर लेंगे इसके लिए भी, आउटलाइन के लिए स्ट्रोक लगा देंगे यहाँ पे 50% ठीक है। अब देखिए जो अलग अलग लेयर पे हमने बनाया था, मैं यहाँ पे आउटलाइन वी लिखता हूँ, मतलब कि आउटलाइन वर्टिकल और ये सेम आउटलाइन एच हॉरिजॉन्टल ठीक है। अब देखिए दोनों में ये ऑन ऑफ हो गया। अब इनसे ये फ़ायदा है कि अगर आपसे ये गलत भी लग जाती है लाइन, तो अगर हम जूम करके देखें इसे, पहले तो देख रहे ठीक लगी हुई है, अगर ये गलत लग जाती है लेयर करने पे, काम करने पे ये फ़ायदा है कि आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे फिक्स है, यहाँ ठीक है, जैसे ये हमने लाइन बना दी। अब ये जो सर्कल है इसके आप सिंपल स्ट्रोक लगाओ ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करो आप, अब देखो मैं चाहता हूँ ये जो लाइनें हमने लेयर पे बनाई हुई है ना, इसको पहले ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ ठीक है, मतलब कि स्ट्रोक यहाँ तक आए बस खत्म हो जाए ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे इधर ठीक है, ये तो एक पीछे इसकी नज़र आ रही है, फिर भी आगे पीछे होगी, पाकिस्तान वाला काम नहीं करना जुगाड़ वाला। अब इसमें हमने देखिए इस तरह भी हम कर सकते हैं सिलेक्शन, इसकी दोबारा किस तरह करें सर, वही वही मतलब ये जो शेप है किस्म की ये वाली, इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ अलग लेयर पे ना, सिलेक्शन किस तरह होगी, रिसलेक्ट कर देंगे, रिसलेक्ट कर देंगे, इससे पहले क्या काम हुआ हुआ है तो वो रिसलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सर्कल याद करो इजी मेथड, तो हाँ उसी को करेंगे ना, सिलेक्शन चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करना नहीं, सिलेक्ट तो है, सिलेक्शन इसकी चाह रहा हूँ, रीसेट वो हो जाए सिलेक्टेड, जो भी यू करो उसी से आप कर रहे हो। देखो आप कर दोगे ना, मैंने बताया था जो शिफ्ट कंट्रोल, तो मार्केट कंट्रोल नहीं इससे कैसे पता चलेगा बिल्कुल फिक्स इसके ऊपर आ रही है। सर इतना इजी आप लोगों को कितनी मरतबा बताया, सिंपल लेयर पे आपने कंट्रोल होल्ड करके क्लिक कर सिलेक्शन दोबारा हो जाएगा किसी भी लेयर की, कंट्रोल होल्ड किया जहाँ पे क्लिक किया वो सिलेक्शन है ठीक है, एक लेयर पे जो काम किया होता है। अब इस पे देखिए हम कलर चेंज कर सकते हैं, या अभी फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, ये जो आउटलाइन हमने दी दोनों तरफ, मैं चाहता हूँ ये जितने जितने पिक्सल हैं ठीक है, ग्राउंड शेप में जितने पिक्सल हैं वो डिलीट हो जाए किसी और फाइल के, किसी और लेयर के। अब इसको सिलेक्ट किया, आउटलाइन वन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ एडिट में, लिखा हुआ है कट कॉपी लिखा हुआ है। अब ये कट और कॉपी वो एरिया होगा जो ये सिलेक्शन के मिड में, तो सिलेक्ट कौन सा एरिया किया, लाइन का किया हुआ है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, देख रहे हैं ये वाली लाइन है। फिर आप क्या करोगे, इस लेयर पे आओगे दोबारा रीसेलेक्ट कर लोगे। अब देखिए हमने काम जो इस पे किया था ना, तो वही सिलेक्शन हो सकती है मतलब रीसेलेक्ट, तो ये हमारी ओरिजेंटल की लाइन रहती है, इस पे क्लिक करता हूँ, एडिट में आता हूँ, कट कर देता हूँ ठीक है। तो ये होता है काम करने से। अब देखो वो जो स्ट्रोक थी वो सर्कल की शेप के मुताबिक कट हो चुकी है,
अब सिंपल में चाहता हूँ इसको भी स्ट्रोक लगाना वाइट कलर की, जो वो वाली ये हो जाए। बाद में आप इसे लाइन को देखिए डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि लाइन्स आप हटाना चाहते हो, व्यू में आप आओगे यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर गा, क्लियर कर दोगे वो लाइन जो है हाइड हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, ठीक है। अब ये व्यू में जाओगे ये लिखा होगा क्लियर गाइड्स ये वाला, ठीक है, लेआउट के लिए बनाने के लिए। अब इसके लिए दो तीन ऑप्शन है, या तो आप इसे स्ट्रोक लगाओगे, सिलेक्शन कर लो, स्ट्रोक पे चले जाओ, स्ट्रोक लगा दो, उस पर स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास अफेक्ट्स के जरिए, याद है अफेक्ट्स के जरिए जी ब्लेंडिंग ऑप्शन किस तरह आएगा वो सर, उनको ब्लेंडिंग राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक ऑप्शन में आ जाएगा ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे भी क्लिक करेंगे। अब देखिए वो स्ट्रोक इसके साथ मैच कर रही है व्हाइट कलर की, आप या फिर कोई और भी कलर लेना चाहते हैं। डायरेक्ट स्ट्रोक नहीं लगा रहा सर, कैसे डायरेक्ट मतलब आप क्लिक कर रहे हैं, सिलेक्शन होगी ना जी, क्लिक दबा के हम स्ट्रोक कर रहे हैं, वही तो बता रहा था, वहां से भी हो जाता है, मतलब फिल के नीचे वाले उधर से भी हो जाता है, लेकिन उधर ये थोड़ा चेंज इस सर है कि यहाँ से अगर आप देखिए सेटिंग आगे पीछे करते हो ना नजर आ रही है, वहाँ पे आपको पिक्सल टाइप किया इंटर किया वो डन होगी, फिर अंडू करके फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, दोनों में ये फर्क है। तो इसलिए देखिए पिक्सल वहाँ से कितने इनके कितने रखे थे, 50 थे ना, 15 थे, 15 पिक्सल थे, 50 लिखेंगे, ये ऑप्शन वही आ रहा है इनसाइड सेंटर, तो हमने क्या करना है सेंटर कर देंगे, दोनों तरफ ठीक रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ से ओपेसिटी की 100 ही रखनी, ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये बना दिया, अब इसमें पिक्चर कैसे ऐड कर सर, जी क्लिपिंग के जरिए, देखो वो डिज़ाइन जो हमने बनाया था जी, अभी हम सिंपल क्या करते रहेंगे, इस वन पे क्लिक किया, फाइल खोलेंगे, प्लेस लिंक करेंगे। अब देखिए प्लेस लिंक इस तरह की टाइमिंग पे काम आता है, अगर आप ओपन करोगे तो डॉक्यूमेंट में फाइल आएगी, फिर उसे कॉपी करके मूव करके आप इस तरफ लाओगे, उससे अच्छा आप इसी में ऐड कर दें, ठीक है। ये तस्वीर होगी, जैसे इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए एक साइड से पीछे आ रही है, एक तरफ से आगे पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लेयर वो आगे पीछे ऊपर नीचे, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं। मैं चाहता हूँ ये येलो कलर में ये, लेकिन मैं चाहता हूँ ये रेड कलर में इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस तस्वीर को ये रेड वाली जो शेप है इसके ऊपर ले आऊँगा। हमेशा ये याद रखना क्लिपिंग मास्क तब बनता है जो फोटो आप क्लिप करना चाहते हो उसके नीचे होता है, ठीक है, उसके नीचे वाले लेयर में वो ऐड होगा, वैसे कि नहीं होता है, वैसे नहीं होगा, बॉक्स नहीं बनेगा, वो नहीं बॉक्स नहीं बनेगा, वो नहीं होगा। अब देखो ये है ना शेप आपने बना ली, एक शेप सिलेक्शन के जरिए, इससे कैसे बनाएंगे हम क्लिपिंग मास्क, राइट क्लिक करेंगे और ये देख रहे क्रिएट क्रिएट मास्क, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगी जो तस्वीर आप इस पे शो करना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए फिर हम प्लेस लिंक करेंगे, हमारे पास 4 पिक्चर्स और तो सारी ऐड करते रहेंगे और बनाते रहेंगे, ठीक है। मिड पे हम यहाँ पे रख देते हैं, इससे हम ये वाली शेप है ना सराउंड में 5 नंबर की, देखिए इस शेप से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ये तो एक क्लिपिंग मास्क काम नहीं करेगा, क्लिक कर दें ये शेप इसमें ऐड होगी, दोबारा फिर इसी तरह ऐड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखो ये अलग लेयर पे बनाई हुई थी इसलिए नजर आ रही है, तो इसे हम ग्रीन वाली तस्वीर पे ले आते हैं, क्यों नहीं नजर आ रही इधर, क्योंकि इस पे लगाया हुआ है, ये देखो इसी तरह हमारे पास अब ब्लू बच चुकी है, सिर्फ ये रहे क्लिपिंग मास्क के जरिए आप बहुत कुछ डिजाइन दे सकते हैं। ये काम बाद में करेंगे, ठीक है।
ग्रीन रहती है, ब्लू है, ब्लू है। इस तरह के हम डिजाइनिंग क्लिपिंग मास्क के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि देखते हैं या यही बनाऊंगे, इनमें हमारा क्या क्या काम होगा। अच्छा, टेक्स्ट के बारे में हमने नहीं देखा ना, टेक्स्ट ठीक है, टेक्स्ट के बारे में भी देखेंगे। इसमें हमने ये देखना है कि आप क्लिपिंग मास्क लगा कर और जो क्लिप एरिया किया हुआ है वो शो कैसे कर रहे हैं। देखिए, जब मैं क्लिप मास्क ऐड कर रहा था तो शेप के इतना ही आना था ना उसके नज़र, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ये ऐड नज़र आ रहा है, वो भी स्मूथ नज़र आ रहा है, कुछ देखें एफेक्ट्स के ऊपर जी इसके ऊपर आ रहा है। तो ये देखेंगे कल। और बाकी ये फ्रेम लगाना एक मैनुअल तरीके से आपको एडोब फोटोशॉप में फ्रेम कैसे मिलते हैं ये आपको मिल जाएंगे, ये देखेंगे, टेक्स्ट के बारे में भी देखेंगे और बाकी ये जो डिज़ाइन दिया हुआ ये सारा हम कल देख लेंगे।